तो वहीं आपको बता दें कि एनसीबी की टीम ने दो राज्यों में चार जगह छापेमारी की। नशे की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जालौर के भीनमाल में और जोधपुर के ओसिया में और गुजरात के गांधीनगर और अमरेली में सुबह 4 बजे से रेड की गई। इसके तहत 13 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इनसे हुई पूछताछ के आधार पर अब गैंग के मुख्य सरगना की तलाश की जा रही है। साथ ही नशा बनाने वाली 4 हाईटेक लैब का खुलासा किया गया। यहां से कुल 149 किलो एमडी, 50 किलो एफेड्रिन, 200 लीटर एसीटोन भी बरामद की गई है। इस ड्रग्स की कीमत करीब 230 करोड़ रुपए बताई गई है।